आप सबको फेयरवेल की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं और हमारे शिक्षक हैं सबका आभार व्यक्त करते हैं। तो आज का जो दिन है वो विदाई का दिन है, तो इसमें हंसी का भी दिन है और दुख का भी दिन है, खुशी का भी है। खुशी इस बात का है कि जो है जो भी आपने जो पढ़े हैं वो सफलता की क्वालिटी को पार करने वाले हैं। आप यहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है, आपका जो भी लक्ष्य आपने रखे हैं उन्हें निर्धारित होती है, पहली सफलता को पार करना है। और थोड़ा दुख की इस बात की है कि जिस प्रकार से हम लोग पहले पढ़ते थे क्लास में आकर के सभी लोग एक दूसरे से मिलते थे, उस टाइप से शायद अब नेक्स्ट टाइम में शायद नहीं मिल पाएंगे आज के बाद। तो कहने का मतलब है कि जो परीक्षा देना है वो आपको बिना प्रेशराइज होकर के देना है। बाकी सर ने और मिस ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी आपको किस तरह से दिया है। विकास सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको जो जाना है बिना प्रेशर लेकर के प्रॉपर डाइट लेकर के और बिना आपको नींद के भी नहीं रहना है, मतलब नींद लेना है पूरा आपको, कम से कम 8 घंटे सोना है आपको, ठीक है, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा, रेस्ट करना है आपको, जाना नहीं है परीक्षा में। आपको जिस प्रकार से आपने परीक्षा देते आ रहे हैं आपको वैसे ही काम है वहाँ पर, आपका घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी अभ्यास करे हैं आपने पढ़े हैं वो आप करते रहिएगा, पूरे 6-7 दिन का जो समय है अभी भी उसमें आप जो है पढ़िएगा अच्छे ढंग से और अच्छे नंबर आएगा। जो भी तैयारी की आपने बहुत अच्छे तैयारी किए हैं हमें उम्मीद है। और एग्जाम माहौल में जाएंगे तो आप जैसे बताया था उन्होंने कि अभी अपना जो है एडमिट कार्ड ले जाना नहीं भूलिएगा और कलम जो है आपका एक ब्लू लेके जाइएगा और ब्लैक पेन भी लीजिएगा, उससे जो है आपका जो है ब्लैक पेन से आपका जो है उसमें हेडिंग वगैरह डाल करके लिखिएगा, उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे आपको जो भी सब्जेक्ट के टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी जो है बहुत ध्यान रखना होता है, जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं दो कर देते हैं, उसमें आपका जो आपका ओ एम आर शीट भरना है दो भर दो, दो नहीं भरना है आपको, एक ही भरना है कोई भी एक, ठीक है। और शुरू के ध्यान से देना है, जितना भी क्वेश्चन है बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं घुमा करके दे देता है एग्जामिनर आपको, तो समझ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है, और समझ करके आपको पूरा अच्छे से लिखना है। जो भी पढ़ाई की आपने अच्छी तैयारी की है, हमारी दुआएं हैं आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने कोचिंग का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने संस्था का नाम करें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को रखते हैं।